नमस्कार, आप देख रहे हैं रहस्य और रोमांच से भरा हमारा शो पहेली। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। हर बार की तरह इस बार भी हम अपने शो की शुरुआत करेंगे एक पहेली से। तो हमारी आज की पहेली है, ऐसी कौन सी चीज है अगर वो हमारी आंखों के सामने आ जाए तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। आप ढूंढिए इस पहेली का जवाब। तब तक हम सामने रखते हैं आज की पहेली। आज हम आपको एक उल्टे मंदिर की कहानी बताएंगे। जी हाँ, शायद पूरी दुनिया का इकलौता उल्टा मंदिर हुई है। बेमिसाल है इस मंदिर की संरचना। लेकिन आज से तकरीबन 1000 साल पहले किसने इसकी परिकल्पना की होगी और वो कैसे कारीगर होंगे जिन्होंने इसे साकार किया होगा। कहते हैं कि अगर किसी विशाल मंदिर को उल्टा कर दिया जाए तो हूबहू इस इमारत की तरह दिखेगा। इस इमारत के बारे में कई रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। इस इमारत को किसने बनवाया था, इसको बनवाने के पीछे उद्देश्य क्या था, क्या मुस्लिम आक्रांताओं के हमले के डर से यहाँ के लोगों ने इस मंदिर को खुद ही मिट्टी से ढक दिया था, क्या इसका पानी चमत्कारी है, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनकी पड़ताल के लिए हम निकल पड़े आज की पहेली के साथ। ये पहेली है 700 सालों तक लापता रही एक इमारत की। ये पहेली है 1000 साल पुराने शिल्पकला के अद्भुत ज्ञान की, जो आज कल्पना से भी परे है। क्या वाकई में ये इमारत एक उल्टे मंदिर को खुद में समेटे हुए है? आखिर इसे एक उल्टे मंदिर की संरचना में क्यों ढाला गया होगा? आखिर क्यों इस इमारत में एक भी शिलालेख नहीं मिलते? इस मंदिर में इसे बनवाने वाले का कोई प्रमाण क्यों नहीं है? अगर वाकई एक रानी ने अपने पति की याद में इसे बनवाया था तो इस बात का किसी ग्रंथ में कोई उल्लेख क्यों नहीं मिलता? दावा यह भी किया जाता है कि इस इमारत में 30 किलोमीटर लंबी एक सुरंग भी निकलती है जो पास के सिद्धपुर शहर तक जाती है। ये संरचना देखने में किसी गुप्त तहखाने सी नजर आती है जो तिलिस्म से भरी हुई है। पक पक पर एक नया राज यहां नजर आता है। ये भी दावा किया जाता है कि यहां का पानी कभी करिश्माई हुआ करता था, जिसके इस्तेमाल मात्र से कई रोग ठीक हो जाते थे। तो क्या इस इमारत को किसी और मकसद से बनाया गया था? अपने वजूद में कई रहस्यों को समेटे ये इमारत है विश्व धरोहरों में शामिल। रानी की बाग या रानी की बावड़ी गुजरात के पाटन जिले में अब विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी के किनारे। देश और दुनिया में जितनी भी बावड़ी बनाई जाती हैं, उनका मकसद पानी का संरक्षण करना है। लेकिन जिस पैमाने पर इस बावड़ी को बनाया गया है वो हैरान करने वाला है। 7 तल, 800 से ज्यादा कलाकृतियां, 100 फुट गहरा कुआं और आश्चर्यचकित करने वाले उल्टे मंदिर वाला वास्तु। रानी की बावली दुनिया की इकलौती ऐसी बावली है जो 7 मंजिला है। जिसको बनवाने की तकनीक अविश्वसनीय है, इसलिए क्योंकि एक्सपर्ट दावा करते हैं कि अगर इस बावली को जमीन पर सीधा रख दिया जाए तो एक विशाल मंदिर हमारे सामने आ जाएगा।
हमने ऐसा हैरतअंगेज दावा पहले कभी नहीं सुना था। हम भी रानी की वाव के करिश्मे से हैरान थे। इस इमारत का सच जानने के लिए हमने फैसला किया रानी की वाव की पहेली को सुलझाने का, इस आश्चर्य से भरी कहानी से पर्दा उठाने का। जैसे ही हमने रानी की वाव या बावली में कदम रखा तो बरबस ही हमारे मुंह से निकल पड़ा अद्भुत, लाजवाब, बेमिसाल। मुझे तो बहुत अच्छा लगा अपने पुराने, मतलब जो भी वाव में उतरने का काम किया है अंदर, सब मूर्तियों का दीवालों पे, और बहुत अच्छा लगा देख के। इससे हमें मालूम होता है कि हमारा इतिहास कितना समृद्ध रहा है, और उसमें हमारे जो पुराने कारीगर थे उनकी साइंस टेक्नोलॉजी उसको समझने के हिसाब से ही हम लोगों ने इसको देखा। कहते हैं कि 13वीं सदी में सरस्वती नदी में आई बाढ़ ने रानी की वाव को अपने आगोश में ले लिया था, और इसका अस्तित्व करीब 700 साल तक दुनिया से ओझल रहा। सैकड़ों सालों तक इस बावली में कोई नहीं आया था, लेकिन कहते हैं कि 1890 में दो अंग्रेज आर्कियोलॉजिस्ट हेनरी कजन्स और जेम्स बर्गीस ने इसका पता लगाया, और तब उन्हें वहां कुछ खम्बों के सिवाय और कुछ नजर ही नहीं आया। पूरी इमारत ही मिट्टी का बड़ा सा टीला बन चुकी थी। उन्होंने जब इसकी खुदाई शुरू की तो पता चला कि ये तो बहुत ही विशाल संरचना है जिसका कोई अंत ही नहीं है। रानी की वाव को दुनिया से मिलाने की कोशिश बार बार हुई, लेकिन हर बार ये इमारत पहले से बड़ी पहेली बनकर सामने आई। जब भी इसकी खुदाई शुरू होती उतनी ही दफा इस बावली की तह पर तह खुलती चली जाती, और हर बार पूरी तरह से इस इमारत को दुनिया के सामने लाने का इरादा छूट जाता। अंग्रेजों के बाद 1940 में बड़ौदा स्टेट ने इसकी खुदाई करवाने की कोशिश की, लेकिन काम पूरा नहीं हो सका। अब आर्कियोलॉजिकल्स ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर रिसर्च किया, और एएसआई ने 1958 से डिगिंग करना, खुदाई करना स्टार्ट किया, और 1990 में फिनिश किया। तो 32 ईयर्स में पूरा सेक्टर खुदाई करके बाहर निकाला, और 2014 में ये वाव वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को में गया। रानी की वाव रहस्यों से भरी है, हम भी इसकी तह तक जाना चाहते हैं, लेकिन पहले जान लेते हैं गुजरात के राजवंश के बारे में। कहते हैं कि पहले पाटन गुजरात की राजधानी हुआ करता था। सबसे पहले गुजरात में चावड़ा वंश आया था। चावड़ा वंश के राजा वनराज चावड़ा ने पाटन को 746 ईस्वी में विकसित किया था। उस समय इसे अन्हिलवाड़ पाटन के नाम से जाना जाता था, जो कालांतर में पाटन कहलाने लगा। बाद में यहाँ सोलंकी और चालुक्य वंश का प्रारंभ हुआ। सोलंकियों ने करीब 350 साल तक गुजरात पर शासन किया, जो पाटन का स्वर्णिम काल माना जा सकता है। कहते हैं कि सोलंकी राज वंश के राजा भीमदेव सोलंकी की याद में उनकी रानी उद्यमती ने ये बावड़ी बनवाई थी, जिसे बनने में करीब 41 साल लग गए। राजा भीमदेव सोलंकी ने ही मोडेरा का सूर्य मंदिर भी बनवाया था, जिसकी कहानी हम पहले ही दिखा चुके हैं। तो रानी जी ने वाव ईस्वीसन 1022-1063 के अंदर बिल्ड किया, एडी 1022-63। तो बिल्ट ऑन 41 ईयर्स, बनने में 41 साल लगा। 11th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में तो 1000 ईयर ओल्ड है।
ज्यादातर राजा अपनी रानी के लिए मॉन्यूमेंट बनाते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा है। रानी उदयमती जी ने अपने हस्बैंड भीमदेव सोलंकी फर्स्ट की याद में बनाई, की मृत्यु के बाद तो प्रेम का एक प्रतीक माना गया, लव सिंबल माना गया है। आप पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में घूमेगा तो लेडीज ने बनाया स्टेपवेल नहीं मिलेगा, केवल ये ऐसा वाव है जो लेडी ने सीने एक रानी ने बनवाया है। लेकिन इस पूरी इमारत में ना तो कोई शिलालेख है और न ही राजा भीमदेव की कोई प्रतिमा जिससे ये साबित हो सके कि रानी उद्यमती ने ये बावली बनवाई थी। सिर्फ एक जैन भिक्षु मीर तुगन के लेख में ये जिक्र आता है कि 1663 में रानी उद्यमती ने एक ऐसी बावली बनवाई थी जिसके सामने सहस्रलिंग तालाब भी फीका है। साथ ही 1986 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की खुदाई में एक प्रतिमा भी मिली थी जिसके बारे में ये माना जाता है कि ये रानी उद्यमती की मूर्ति है। कहते हैं कि राजस्थान और गुजरात में पानी की बहुत किल्लत हुआ करती थी, इसलिए आपको पानी स्टोर करने के लिए बावली भी सबसे ज्यादा यहीं पर देखने को मिलेंगी, जो अपने खूबसूरत शिल्प के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अब रानी ने वाव क्यों बनवाया, उसका दो रीजन है। तो फर्स्ट रीजन है, आप राजस्थान और गुजरात में घूमेगा तो आपको स्टेपवेल ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जहां पानी की कमी होती है ना वहां वाटर स्टोर करके लोगों को पानी पीने के लिए मिले। सेकंड रीजन है, उनके हस्बैंड का कीर्ति अमर रहे और प्रेम का एक प्रतीक बना रहे, इसलिए स्टेपवेल बनाया गया है। कहते हैं यहां कभी कल कल करती सरस्वती नदी बहा करती थी, उसी सरस्वती नदी में आई विशाल बाढ़ से रानी की बाव की तबाही की कहानी भी जुड़ी है। अब यहाँ से आप 2 किलोमीटर दूर जाएगा तो सरस्वती रिवर आएगा। अभी सरस्वती रिवर अभी अंडरग्राउंड लुप्त हो गया है, लेकिन 13वीं सेंचुरी में सरस्वती रिवर में बिग फ्लड आया था, उसमें पूरा स्ट्रक्चर फ्रंट में दब गया था, केवल पीछे का वेल कुआ ही खुला था, बाकी का स्ट्रक्चर सब जमीन बन गया था। अराउंड आप जो गार्डन देख रहे हो, गार्डन किसानों के फार्म थे, तो किसान लोग कुएं के किनारे से पानी निकाल के खेती करते थे या पानी पीने के लिए यूज करते थे, लेकिन किसानों को पता नहीं था कि नीचे ऐसा स्ट्रक्चर कवर्ड है। रानी की वाव के जमींदोज होने के पीछे एक और मत भी है। कहते हैं सोलंकी राजाओं ने खुद ही इस इमारत को मुस्लिम आतताइयों से बचाने के लिए मिट्टी से ढकवा दिया था। रानी की वाव 65 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और इसका कुआं करीब 33 मीटर या 98 फीट गहरा है। इस बावली के पानी तक पहुंचने के लिए कई सतहों पर सीढ़ियां बनाई गई हैं। इस बावली के 7 तल हैं, जिन्हें सीढ़ियों से जोड़ा गया है। हैरानी की बात यह है कि इसका चौथा तल सबसे ज्यादा गहरा है, जो लगभग 23 मीटर है। चौथे तल पर एक बड़ा सा वाटर टैंक बना हुआ है, जो कि मुख्य टैंक है, जिसमें गर्मियों के दिनों में भी पानी नहीं सूखता, लेकिन जैसे जैसे बारिश होती है इसके सारे तल पानी से लबालब भर जाते हैं। ये बावली भारत के जल प्रबंधन का आइडियल मॉडल है। दावा किया जाता है कि इस बेहतरीन बावली में सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है, जिसे सौराष्ट्र से लाना कतई आसान नहीं था। दावा किया जाता है कि इस बावली के आधार में इंटरलॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसने भुज के विनाशकारी भूकंप में भी इसका बाल भी बांका नहीं होने दिया। ये पूरा वाव है सैंडस्टोन, गुजरात में सौराष्ट्र बोलते हैं धांगध्रा, यहाँ से धांगध्रा से पूरा सैंडस्टोन उस जमाने में लाया गया है। यहाँ दो तरह का लॉकिंग सिस्टम होता है, ये जो फ्लोर खड़े हैं ना, ये स्टोन लॉकिंग बोलते हैं, एक पत्थर में होल करके इसके अंदर दूसरा पत्थर घुसाया गया है, जिसमें सीमेंट चुना बिल्कुल यूज नहीं किया गया है। नीचे फ्लोरिंग में वुड लॉकिंग होता है, दो पत्थरों के बीच गैप करके इसके अंदर साग या शीशम का लकड़ा फिट किया जाता है। बारिश आएगा तो लकड़ा भीग के फूल के एक्सपेंड होगा, भूकंप आया तो स्टेप बाहर नहीं निकलेगा। 2001 में अर्थक्वेक आया भुज में, यहाँ पर भी अर्थक्वेक आया तो पूरा स्ट्रक्चर वाइब्रेंट हुआ, लेकिन एक भी पत्थर नीचे नहीं गिरा। तो इंटरलॉक सिस्टम का वो महत्व है, भूकंप आएगा हिलेगा लेकिन गिरेगा नहीं। पाटन में मिली बावली भारतीय वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। मारू गुर्जर शैली जो कि पश्चिमी भारत में ज्यादा पाई जाती है, और ये कला भारत में मध्यकाल में देखने को मिलती थी।
इस बाव का सबसे बड़ा अजूबा तो इसकी बनावट से जुड़ा हुआ है, यानी उल्टे मंदिर के आकार में बनी एक बेहतरीन इमारत। भारत सरकार ने जो नया 100 रुपए का नोट जारी किया है उसमें भी इस ऐतिहासिक रानी की वाव की तस्वीर छपी है। दावा किया जाता है कि ये बावली भारत की सबसे बड़ी बावलियों में से एक है। जो कि लगभग 6 एकड़ में फैली हुई है। देखने में ये बावली ऊंचाई पर चौड़ी और नीचे संकरी नजर आती है। कहते हैं कि ज्यादातर निशानियां राजाओं ने अपनी रानी की याद में बनवाई हैं, लेकिन इस बावली को रानी उद्यमती ने अपने पति भीमदेव प्रथम की याद में बनवाया था, जिसका मकसद था यहां पानी को इकट्ठा करके सोलंकी साम्राज्य तक पहुंचाना। लेकिन इस बावली का इस्तेमाल सिर्फ पानी के लिए नहीं होता था, इस बावली का उपयोग धार्मिक और राजनीतिक विचार विमर्श के लिए भी किया जाता था। इस बावली में 800 से भी ज्यादा मूर्तियां बनी हैं, जिसमें भगवान विष्णु के अलग अलग अवतार हैं। उस समय के कलाकारों ने यहाँ ऐसे देवताओं की मूर्तियां ज्यादा बनवाई थी जिनका पानी से संबंध था, जैसे इंद्र, वरुण और वराहदेव। अब रानी उदयमती ने अपने कारीगरों पास क्या कार्विन करवाया है, तो भगवान विष्णु तीनों लोक में सोता है बताया है, स्वर्ग, भूमि और पाताल। इसके अंदर विष्णु भगवान के 10 अवतार है, उसके अंदर विष्णु भगवान के 24 स्वरूप है, 299 अप्सरा उस टाइम की नारियों के मेकअप स्टाइल, हेयर स्टाइल, 16 सिंगार, ज्वेलरी और 14 विष्कन्याएं बताई गई है। इस मंदिर में देवी देवताओं की कई भाव भंगिमाएं मिलती हैं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके भाई बलराम की भी मूर्ति की नक्काशी भी जीवंत जान पड़ती है। आप देखिए, ये कृष्ण के बड़े भाई बलराम हैं, उनके मस्तिष्क भी देखिए शेष नाग है, हाथ में कमल है, हल है, दंड है, बीज पूरक है, सीड बॉक्स। नीचे देखिए छोटे बलराम उनके हाथ में हल, छोटे कृष्णा उनके हाथ में बटर माखन बताया गया है। मंदिर के सातों तलों पर हर खंभे पर कोई ना कोई संदेश छिपा है। अब देखिए माँ भैरवी की आकृति, जो हाथ में एक खोपड़ी लेकर खड़ी है, भगवान परशुराम, महात्मा बुद्ध के साथ अप्सराओं की भी शानदार नक्काशी देखने को मिलती है। खंभों पर ही भगवान विष्णु का कल्कि अवतार दिखाई देता है। उसके बाद देखिए वो कल्कि भगवान है कि भगवान विष्णु ऐसा 10वां कल्कि अवतार धारण करेंगे, ऐसा घोड़े के पैरों के नीचे दुष्टों को पापियों को मार रहे हैं, पैरों में देखिए हॉल बूट गम बूट पहना हुआ है, हाथों में तलवार है, दास ने छाता पकड़ा है, दासी उनके कटोरे में अमृत डाल रही है। तो ऐसा कल्कि अवतार भविष्य में होगा, ऐसा अपने शास्त्रों में लिखा गया कहा गया है। तो यहाँ बहुत सारी ऐसी नक्काशी कार्विन बताई गई है। बावली की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं ये फ्लोरल पैटर्न, जिसकी झलक पाटन गांव में बनने वाली पटोला साड़ी में भी नजर आती है। दावा किया जाता है कि इस पैटर्न को बनाने की शुरुआत उन लोगों ने की थी जो बावली के आसपास रहा करते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी ये कला आज तक चलती आ रही है। ये पाटन का पटोला साड़ी है ना, उसका प्रिंट बताया गया है, यहाँ का फेमस साड़ी है पटोला साड़ी। ये फेस जो आपको दिख रहा है वो नजर बट्टू बोलते है, अपने घर के आगे लगा दे नजर ना लगे, इसलिए इसको दृष्टि बट्टू भी बोलते हैं, नजर बट्टू भी बोलते हैं, कीर्ति मुख भी बोलते हैं। आप देखिए 1, 2, 3, 4 बैठे हुए लक्ष्मी जी है, ये नीचे देखिए ये हाथी पेड़ को उखाड़ रहा है, इंसान को मार रहा है। उस जमाने में कोई अगर क्रिमिनल गुनाह करता था तो उसको हाथी के पैर के नीचे कुचल के पनिशमेंट दिया जाता था, तो पनिशमेंट बताई गई है। आज भी भारत में बनी ऐसी ऐतिहासिक इमारतों का कोई सानी नहीं है। प्राचीन कारीगरों के पास निर्माण की 2 तकनीकें हुआ करती थी, एक तो पारंपरिक थी यानी नीचे से ऊपर की ओर, जबकि दूसरी बिल्कुल उलट, जो ऊपर से नीचे की ओर आती थी। जैसे आपने देखा होगा कि पहले की कई संरचनाओं को एक ही पहाड़ को काटकर बनाया जाता था, जैसा कि अजंता एरोरा के मंदिर,
जिसे एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया था। उस दौर में टनों वजनी चट्टानों को काटकर इस तरह की संरचनाओं को आकार दिया जाता था। लोग कहते हैं कि कालांतर में इस बाव के पानी में करिश्माई ताकत थी। इस बाव के आसपास बहुत सारे जड़ी बूटियों के पेड़ पौधे थे, जिसकी वजह से इस बावली के पानी में शक्तियां आ गई थी, जिससे बहुत सारे रोग अपने आप ठीक हो जाते थे। वाकई परत दर परत राज समेटे हुई थी ये बावली। सवाल कई थे, आखिर इसके निर्माण में पारंपरिक शैली से हटकर निर्माण क्यों कराया गया होगा? क्या इस बावली को हम पूरी तरीके से खोज सके हैं, या फिर अभी हमें और खोजने की जरूरत है? गुजरात के पाटन से विपिन प्रजापति की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्या इस खूबसूरत संरचना को बनाने में सिर्फ एक राजा और रानी की कहानी रही होगी, या इसकी वास्तविकता कुछ और भी है? अभी भी इस पूरे इलाके की खुदाई नहीं हो पाई है, अभी भी इस बावड़ी ने अपने सारे राज नहीं उगले हैं। क्या पता कुछ सालों में रानी की बाप की पूरी सच्चाई हमारे और आपके सामने हो। तो थी ना ये दिलचस्प पहेली। वैसे अपने कार्यक्रम की शुरुआत में भी हमने आपसे एक पहेली पूछी थी, उम्मीद है कि आपने उसका जवाब ढूंढ लिया होगा। ऐसी क्या चीज है, अगर वो हमारी आंखों के सामने आ जाए तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं? उत्तर है तेज रोशनी। तो आज की पहेली में अभी के लिए बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।